सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में आज एक मोबाइल में विस्फोट हो जाने से एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्री माधोपुर कस्बे के गौशाला बाजार स्थित उमा टेलीकॉम सेंटर में कुछ मोबाइल रखे हुए थे। आज अचानक उसमें से एक मोबाइल में विस्फोट हो गया, जिसमें वहां पर खड़ा नरेंद्र नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में पहले श्री माधोपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मोबाइल में विस्फोट होने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग भी दुकान पर पहुंच गए। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि मोबाइल में विस्फोट किस कारण से हुआ। पापा सर क्या बात हुई? दुकान की सफाई कर रहे थे, वो इसके अंदर मोबाइल पड़े थे, रिपेयरिंग के मोबाइल पड़े हुए थे। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ कि कोई मोबाइल है तो विस्फोट हुआ। मैं यहाँ पे भी रेलवे की स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, विस्फोट होने के बाद धुआं धुआं हो गई, मेरा भाई रोज गया था फोटो दे रहे पूरा जलने के बाद हॉस्पिटल के अंदर गया, कुछ समझ नहीं आया, अब जाके पता लगा कि मोबाइल विस्फोट हुआ है। नहीं, मोबाइल को चार्ज लगा रखा था या वैसे पड़ा था? वैसे पड़ा था, मोबाइल इसमें पड़ा था, मोबाइल पड़ा था, 5-7 मोबाइल पड़े हुए थे जो विस्फोट हुआ है मोबाइल।